गाइस कैसे हो आप कि आप ठीक हैं दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली कि अगर आपके पास में रेडमी का K20 या K20 प्रो फोन है तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इसके टॉप फीचर के बारे में, जो अगर आप तक आपने अभी तक नहीं जाने तो वो वीडियो को एंड तक देखना। आज हम इसी के टॉपिक पर बात करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से फीचर है जो हमें यूज करने चाहिए, जिससे हमारे फोन का लुक और भी ऑसम लगने लगेगा। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आता है प्लीज वीडियो को लाइक करना। आप शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले बता दो, मेरा नाम है हरि पर्वत, देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक मिर्जा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी जोड़ लें, क्योंकि ऐसी टेक वीडियो हम डेली लाते रहते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। सो गाइस पहले फीचर के बारे में बात करें तो पहले फीचर आता है, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में आपको जाना है डिस्प्ले में। सो गाइस डिस्प्ले में जाने के बाद में एम्बिडेंट लाइट डिस्प्ले यहाँ पे दिखा हुआ ये वाला, यानी कि ऑलवेज ऑन वाला डिस्प्ले। सो गाइस जिसको ऑलवेज ऑन पे क्लिक कर देना है, जिससे कि इसमें आपको काफ़ी सारे इफेक्ट देखने को मिलेगी। तो पहले हम इसको ऑन कर देते हैं, तो मैंने ये ऑन कर दिया। अब इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इतने बहुत सारे इफेक्ट आ जाएंगे जो आप अपनी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर लगा सकते हैं, इसकी वजह से आपका फ़ोन और भी अच्छा लगने लगेगा। सो गाइज आप कोई भी वाला चूज करके इसे लगा सकते हैं, तो ऑलवेज डिस्प्ले वाला ये है। सो गाइज अगले फीचर के बारे में बात करें तो अगले फीचर आता है फिंगरप्रिंट वाला, यानी कि आपको फिंगरप्रिंट वाले में जाना है और इफेक्ट देखना है कौन से इफेक्ट है। तो लॉक स्क्रीन पर जाएंगे, लॉक स्क्रीन पर जाने के बाद मैनेज फिंगरप्रिंट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आपको पासवर्ड अपना डालना पड़ेगा तो पासवर्ड डाल लीजिए। सो गाइस पासवर्ड डालने के बाद में आपको आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको सबसे नीचे देखने को उसके ऊपर लिखा होगा फिंगरप्रिंट एनिमेशन, उस पर आपको क्लिक करना है। सो गाइस क्लिक करने के बाद में आपको सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको ये इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो पहले इफेक्ट स्टारलाइट है, फिर दूसरा नियान है, फिर तीसरा राइथम ये वाला आ गया, ये चौथा आपको देखने को मिला पल्स वाला। सो गाइस ये इफेक्ट आपको फिंगरप्रिंट में देखने को मिलेगा। जैसे आप फिंगरप्रिंट पर क्लिक करें तो आपके सामने ऐसे जो भी लगाएंगे वो वाला आपको शो होने लगेगा। सो गाइस अगले फीचर की बात करें तो आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में आपको जाना है सबसे नीचे करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो गाइस आपके सामने लिखेगा एडिशनल सेटिंग। सो गाइस एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद में आपको वहां पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सो गाइस आपको जाना है फ्रंट कैमरा इफेक्ट, जो आपके इस पॉपअप सेल्फी वाला कैमरा को उसके इफेक्ट के बारे में। सो गाइस वहाँ पे आपको वहाँ पे विजुअल इफेक्ट होगा, एक साउंड इफेक्ट होगा, दोनों इफेक्ट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस सबसे ऊपर वाला होगा वो एक जाइलोफोन वाला, उसे आप ये लगा सकते हैं, जब कैमरा निकलेगा तभी ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। सो गाइस कॉर्नर, और ये तीसरा है मैजिक, ये चौथा मेका एंड गियर व्हील कैबिन डोर, इस टाइप के इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी टेक वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।